सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, जो इनका लॉजिक है, वो एग्जांपल के साथ बताऊंगा। देखिए, एग्रीमेंट क्या होता है कि सिंपल एग्रीमेंट में ना आपने जो किसी से वादा किया, कुछ आपने प्रॉमिस किया। देखें, एग्रीमेंट वर्ड ना एग्री से निकला है। जब आप किसी के साथ कोई चीज किसी काम में एग्री कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, माहिदा कर लेते हैं, उसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब किसी भी एग्रीमेंट के साथ आपने समझौता तो किया है, उसको हम बोलेंगे एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट के साथ जो आपने उसके साथ प्रॉमिस किया है, आपने समझौता किया है, जो उससे आपने म्यूचुअल डिसीजन किया है, उसको आप रिटर्न फॉर्म में कर लेते हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हो, उसकी जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं जो उसको आप पूरा कर लेते हो, विटनेस को बुला लेते हो, साइन वगैरह करवा लेते हो, और जितनी भी असेंशियल होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, उन सारों को आप पूरा कर लेते हो एग्रीमेंट के साथ, तो फिर वो क्या आती है, इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है। तो जब एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी आती है तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तब वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट नहीं रहता, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि हर एग्रीमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पर हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर होता है। और एग्रीमेंट के साथ जब भी इन्फोर्सिबिलिटी आ जाए, दो चीजें हो, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और इन्फोर्सिबिलिटी कैसे आती है, मैंने आपको बताया कि साइन वगैरह करवा लेना, डॉक्यूमेंटेशन, विटनेस को बुला लेना, फॉर्मेलिटीज जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की उसको पूरा कर लेना, असेंशियल वगैरह जो है उसको पूरा कर लेना, फ्री कॉन्सेंट, ऑफर एक्सेप्टेंस, इन सारी चीजों को जब आप पूरा करते हो तो वो इन्फोर्सिबिलिटी भी एग्रीमेंट के साथ आ जाती है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सबसे पहले देखिए, इधर लिखा है फॉर्मेशन। एग्रीमेंट की फॉर्मेशन कैसे होती है, ऑफर और एक्सेप्टेंस जो होती है ना, इन दोनों की बेस पे जो है एग्रीमेंट है उसकी फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन मतलब बनना, एग्रीमेंट कैसे बनता है। अभी ऑफर आपने किसी पर्सन को ऑफर सेंड की, उसे उसने आगे से एक्सेप्ट कर ली। लाइक आपने एक बंदे को बोला, यार मैं तेरी ये 1,00,000 रुपए की गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, वो कहता है चले ठीक है यार आप खरीद लो, तो दोनों का एग्री हो गया, आपने उसे ऑफर भेजी, उसने आगे से एक्सेप्ट कर ली, तो ये एग्रीमेंट हो गया। तो जब जो आपने उसे ऑफर भेजी, हाँ भाई तुझे मैं 1,00,000 रुपया दे रहा हूँ अभी, ये तूने मुझे गाड़ी देनी है, वो कहता है ठीक है 2 दिन बाद मैं आपको गाड़ी दे दूंगा, तो आपने उसे लिखवा लिया कि मैंने तुझे 1,00,000 दे दिया, स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन वगैरह करवा लिया, उसके सारी इन्फोर्सिबिलिटीज, विटनेस को बुला लिया, तो ये क्या इन्फोर्सिबिलिटी आ गई है। तो एग्रीमेंट के साथ आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीजों को पूरा कर लिया, एसेंशियल्स को, तो अभी क्या है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया एग्रीमेंट, वही एग्रीमेंट जो था अभी वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सिबिलिटी होती है। अब अगर जो आपने एग्रीमेंट किया ना कि आपने मुझे गाड़ी देनी है, इसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं, अगर वो कल को कहता है मैंने नहीं देनी, तो आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर आपने इन्फोर्सिबिलिटी साथ डॉक्यूमेंटेशन, साथ आपने उसके जो असेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्ट हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें, फ्री कंसेंट, इनको अगर आपने पूरा किया है, स्टैम्प पेपर करवाया, तो फिर आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। अभी देखें, सेकंड पे आ जाता है लीगल ओब्लिगेशन। देखें, इट मे और मे नॉट क्रिएट अ लीगल ओब्लिगेशन, वही चीज़ कि एग्रीमेंट में ज़रूरी नहीं उसके ऊपर अभी ओब्लीगेट नहीं हो गया कि वो आपको गाड़ी दे, वो चाहे तो दे भी सकता है, अगर ना, अगर वो उसका दिल नहीं करता तो वो आपको ये भी कह सकता है मैं नहीं दे सकता, तो आप उससे कोई फोर्सली या इन्फोर्सेबल बाय लॉ आप उससे गाड़ी नहीं खरीद सकते। पर कॉन्ट्रैक्ट अगर किया है तो फिर वो लीगल ओब्लिगेशन के ऊपर उसे पूरा उतरना पड़ेगा, उसकी लाइबिलिटी है कि वो आपको गाड़ी दे, इट इज़ नेसेसरी क्रिएट अ लीगल ओब्लिगेशन। थर्ड पे आ जाता है स्कोप। देखिए, स्कोप में क्या है कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, वही चीज़ के हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पर हर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना एग्रीमेंट जरूर होता है, और एग्रीमेंट के साथ जब इन्फोर्सिबिलिटी आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एक और आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे दो दोस्त हैं, उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया 10,000 रुपये पे, और उन्होंने आपस में बोला चल ठीक है यार, दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया है कि यार 500 तू दें, 5,000 तुम देना, 5,000 मैं दूंगा, दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, वादा कर लिया, तो ये एग्रीमेंट है। अभी दूसरा दोस्त के मैंने नहीं देना, तो वो इससे मुकर भी सकता है, वो छोड़ के भी जा सकता है, तो ये एग्रीमेंट है। अगर वो साथ जो दोनों दोस्त हैं आपस में ये लिखवा लें कि विटनेस बुलवा के साइन करवा लें कि हम दोनों ने हाफ हाफ रेंट देना है, उसके बाद जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सारी फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा कर लें, तो फिर अगर दूसरा दोस्त जो है कोई भी उनमें से अगर रेंट नहीं देता हाफ, तो उसके ऊपर दूसरा दोस्त जो दे रहा है वो केस कर सकता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, इन्फोर्सिबिलिटी आ गई है, क्योंकि सारी वैलिड असेंशियल जो है कॉन्ट्रैक्ट के उनको पूरा कर लिया हमने। तो ये इन दोनों का छोटा सा इनके अंदर डिफरेंस था, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।